हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हरी प्याज आलू मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट बनने वाली सब्जी है। फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने लिए है 2 आलू, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और छील लिया था, और 200 ग्राम मैंने प्याज ली है, हरी प्याज, और 2 टमाटर। तो इन सारी चीज़ों को मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर दुर्गा किचन को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए। बनाना स्टार्ट करते हैं आलू प्याज की सब्जी। कढ़ाई मैंने रख दिया और उसमें डाल दिया है 3 चम्मच ऑयल। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये बॉयल किए आलू थोड़े से इसमें पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे ब्राउन हो जाएं, कुरकुरे हो जाएं आलू, थोड़े से ऊपरी परत थोड़ी सी अच्छी हो जाए, भुन जाए, इसके बाद हम इसे सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसे भून लेती हूँ आलूओं को। बॉईल किए आलू तो हैं, लेकिन जब इसमें अच्छे से भुन जाएंगे ऑयल में, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके और इसे भून लेती हूँ इसी के साथ, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा आलू इस तरह से भूनने से। आप कच्चे आलूओं का यूज़ की हुई सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, बॉईल किए आलू के साथ प्याज की सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ फ्रेंड्स जुड़े रहें और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस तरह से मैं बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे अच्छे से कलर आ चुका है। आपको इसी तरह से थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए आलू में, ऊपरी पतर इसकी अच्छे से सिक जाए, तो उसके बाद आप इन आलूओं को निकाल लें। इस तरह से फ्रेंड्स बनाओगे सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बॉईल किए हैं आलू हैं, तो काफ़ी जल्दी ये इस तरह से तैयार हो जाते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। एक बार आलूओं को निकाल लिया है, अब उसी ऑयल में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ये जीरा, और उसके बाद मैंने कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक लिया हुआ है, तो मैं इसे इसी के साथ भून लेती हूँ। 2 लीची मैंने हरी मिर्च, इसे भी डाल देते हैं इसी के साथ, और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी 1/2 चम्मच। अब इसमें मिक्स कर देते हैं मसालों को इस तरह से, और अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स ये कटी हुई हरी प्याज, और थोड़ा सा मसालों के साथ हम इसे भूनेंगे, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी सॉफ्ट प्याज है, इस तरह से जल्दी बन जाती है। उसके बाद मैंने आलू मेरे पहले से ही बॉयल थे, और मैंने उन्हें थोड़ा फ्राई भी कर लिया है, सैलो फ्राई, तो वो उन्हें मैं लास्ट में डालूंगी जब तक ये प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अभी फ्रेंड्स मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी पक जाए प्याज, अभी काफ़ी फूली फूली है, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम आलू मिक्स कर देंगे, और इसी के साथ मैं कर दूँगी ये कट किए हुए टमाटर। टमाटरों को हम इसी तरह से पकाएंगे, इन्हें मैंने कोई भुना नहीं है, कोई पेस्ट नहीं बनाया, टमाटरों को हम इसी तरह से डाल के इसमें पकाते हैं, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, कलर भी बड़ा प्यारा आता है। अब इसमें जाएगा ये इस तरह से हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें नमक, और मिक्स कर देते हैं इस तरह से, और अब इसे चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। जब अच्छे से प्याज हमारी भुन ना जाए, इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, कभी कभी सिंपल सब्जियां भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो इसमें मसाले बिल्कुल कम यूज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं इसे थोड़ी देर ढक के पका लेती हूँ 1 से 2 मिनट, और इसे बीच बीच में चलाती जाऊँगी। सब्जी हमारी रेडी है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। गैस को कर देंगे बंद, और इसे मिक्स करके निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में।
ये लीजिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी रेडी है। आलू हरी प्याज की स्वादिष्ट सब्जी आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए दुर्गा किचन के साथ। थैंक यू।